हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ रहे थे कि मिंत्रा सर रिफंड आखिर कितने दिनों में मिलता है, तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि देखिए मैंने एक प्रोडक्ट मिंत्रा पर रिटर्न किया था और उसका मुझे रिफंड कितने दिन के अंदर अंदर मुझे मिंत्रा से मिल गया है। मैं आपको अपने बैंक की स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, जो मुझे बैंक में अमाउंट रिसीव्ड हुआ है रिफंड का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रोडक्ट में आपको दिखाऊंगा कि मैंने कब रिटर्न किया था और कितने दिन के बाद मुझे रिफंड मिला है, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आप जो सवाल मुझसे पूछते हैं कि कितने दिन में रिफंड मिलता है, आपको उसका आंसर मिल सके और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकूं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हमें अपने रिफंड का स्टेटस चेक करना है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, आपने मिंत्रा की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और आ जाना है अपने मिंत्रा एप्लीकेशन पर। तो आप अपने रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं गाइस, तो आपने प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करना। आपको प्रोफाइल का बटन दिखाई देगा स्क्रीन पे, यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जो भी ऑर्डर्स आपने किए होंगे यहाँ पे आपको मिंत्रा के ऑर्डर्स वो सभी शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो मैंने मिंत्रा पर रिटर्न किया था और मैं आपको सारी चीजें उसके बारे में बताऊंगा रिफंड के बारे में। तो ये आप देखेंगे कि 620 रुपए का ये प्रोडक्ट था, मुझे 620 रुपए रिटर्न इसका यानी कि रिफंड मिल चुका है, मेरे बैंक में आया है। तो मैं प्रोडक्ट की डिटेल आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये जींस की पैंट है, ये प्रोडक्ट को मैंने रिटर्न किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो रिफंड है वो गाइस मुझे कब आया था और मैंने जो इसको कब रिटर्न किया था, किस डेट में किया था। तो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है मैंने 1 तारीख को रिटर्न किया था, यानी कि 1 अप्रैल को रिटर्न हो गया था मेरा प्रोडक्ट। रिटर्न पैकेट वो वापस ले गए थे 1 अप्रैल को और उसका जो मुझे रिफंड मिला था वो मिला था 4 अप्रैल को, मुझे रिफंड मिला था मेरे बैंक में 4 अप्रैल को अमाउंट आया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिफंड क्रेडिटेड का मैसेज आ गया था मुझे और यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 24 घंटे में नहीं मिला था मुझे, 4 दिन लग गए थे रिफंड मिलने के अंदर अंदर। तो जो लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि रिफंड नहीं मिला, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो मैं उन सभी को रिप्लाई में बोलता हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 वीक का वेट कर लीजिए, 5 डेज 6 डेज का वेट कर लीजिए, आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड एक्चुअली होता है क्या ना, मिल जाता है मिंत्रा से, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वो डिपेंड करता है कोई वर्किंग डे यानी कि कोई हॉलीडे नहीं है बीच में, या कोई ऐसा मतलब कि कोई टेक्निकल एरर ना आ जाए, किसी वजह से कोई दिक्कत ना हो, सर्विस कैसी है, जो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इस वजह से रिफंड थोड़ा सा लेट हो जाता है। कभी कभी 24 घंटे के अंदर भी मिल जाता है। तो अगर आपका रिफंड आपको नहीं मिल रहा तो आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। तो मैंने 1 अप्रैल को ये प्रोडक्ट रिटर्न किया था और UPID के थ्रू मैंने इसका रिफंड लिया था। तो मुझे रिफंड जो मिला था वो मिला था गाइस मुझे 4 अप्रैल में। आप देखेंगे ट्रांजेक्शन है 4 अप्रैल को, 620 रुपए मुझे मिंत्रा से रिफंड मिल गया था। 620 रुपए का मेरा प्रोडक्ट था और रिफंड आ गया था मेरे को। तो ये मेरे बैंक के स्टेटमेंट है, तो मैंने आपको अपने बैंक के स्टेटमेंट में भी दिखा दिया कि रिफंड मुझे आ गया था। अब मैं आपको गाइस ये दिखा देता हूँ, देखिए कि रिफंड का जो अमाउंट था 620 रुपए, यहाँ पर रिफंड मिल गया था UPID के थ्रू, ये मुझे रिफंड मिला था। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको मिंत्रा से रिफंड कितने दिन में मिलता है, तो मिंत्रा से रिफंड जो है यूजुअली गाइस 2-3 दिन के अंदर मिल जाता है, या अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम लेके चलेंगे तो आपको 1 वीक का वेट करना पड़ जाता है कभी कभी। तो मुझे जो रिफंड मिला था 4 दिन में मिला था। आई होप कि आपको रिफंड आपका जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है या आप मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।